वैशाली नगर स्थित डाकघर में उपभोक्ताओं को राशि जमा कराने के लिए पर्ची भी बाहर से लेकर जानी पड़ रही है। डाकघर में सुकन्या योजना सहित विभिन्न योजनाओं की राशि जमा कराने के लिए एक पर्ची भरकर देनी होती है। यह पर्ची डाकघर में उपलब्ध नहीं है और उसकी फोटोकॉपी भी उपभोक्ताओं को बाहर से कराकर लानी पड़ती है। वैशाली नगर के रहने वाले सुनील लालवानी ने बताया कि वह शनिवार को अपनी बेटी के सुकन्या योजना खाते में पैसे जमा कराने गए, लेकिन डाकघर में पर्ची नहीं थी। इस विषय में जब अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि डाकघर में डिपॉजिट स्लिप नहीं है और इसकी फोटोकॉपी कराते कराते वह परेशान हो गए हैं और उसका खर्चा भी पर्सनल खर्चे से करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं को उन्होंने बाहर से फोटोकॉपी कर जमा कराने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी है। आज सुबह मैं वैशाली नगर स्थित पोस्ट ऑफिस अपनी बेटी के सुकन्या योजना का जो अकाउंट है उसमें पैसे जमा कराने गया था। पैसे जमा कराने के लिए जब मैंने मैडम से पर्ची मांगी तो मैडम ने मुझे साफ मना कर दिया, बोला हमारे पास कोई पर्ची नहीं है, गवर्नमेंट हमें पर्ची नहीं देती है, आप पर्ची की फोटोस्टेट बाहर से लेके आइए और उसको अकाउंट में अपने पैसे जमा कीजिए। मैडम का मेरे पास ये जवाब था तो मैडम की मैंने वो अपने मोबाइल में वीडियो पूरी क्लिप ले ली है। अब ये शिकायत है कि 1000 रुपये पे क्या मैं 2-2 रुपये के मतलब जो फोटोस्टेट होते हैं गवर्नमेंट क्या मुझे इतना ब्याज देती है कि मैं 2 रुपये उस पर अपनी पर्ची लेके और पैसे जमा कराऊँ। मैं गवर्नमेंट से यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि 1000 रुपये 2 रुपये का फोटोस्टेट में क्या मतलब उपभोक्ता जो है अपनी जेब से भरेगा? आज बैंक वाले या हम कहीं भी पैसे जमा कराने जाते हैं तो क्या जमा पर्ची बैंक वाले देते हैं या बाहर से उपभोक्ता लेके आता है? मैं इस चीज़ का जवाब चाह रहा हूँ। आपका नाम सुनील लालवानी, वैशाली नगर।